हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अरुणा गौतम। मैं हूं अरुणा। गाइस आज मैं बनाने वाली हूं चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरीज का सीज़न चल रहा है, विंटर्स में स्ट्रॉबेरीज बहुत मिलती हैं, तो यहां पर मैंने बिल्कुल फ्रेश 10 से 12 स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं। देखिए ये कितनी लाल लाल है। और गैस के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है जिसमें कि मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और पानी को हम थोड़ा गर्म कर लेंगे। और उसके ऊपर एक बोल रख दिया है मैंने यहाँ पर, और जिसका कि तला हमें पानी से नहीं चिपकाना है, ये ध्यान रखना चॉकलेट मेल्ट करते वक्त। और आधा कप इसमें मैंने चॉकलेट डाल दी है। यहाँ पर अमूल की मिल्क चॉकलेट का यूज़ कर रही हूँ मैं। आप चाहो तो कंपाउंड चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हो, डार्क चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हो। और इसे मेल्ट कर लेंगे। तो चॉकलेट को हमें अच्छे से मेल्ट करना है। और स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। गीली स्ट्रॉबेरीज़ पे चॉकलेट अच्छे से कोट नहीं होगी, तो इस बात का ध्यान रखें कि चॉकलेट को अच्छे से स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से वॉश करके उसे अच्छे से सुखा लें। तो यहाँ पर चॉकलेट हमारी बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है, ये देखिए। अब हम इसे उतार लेंगे। तो चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है, और साथ ही में मैंने एक प्लेट ले ली है जिसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो वैसे भी हल्का सा प्लेट को चिकना कर लें, और उसके बाद स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं चॉकलेट कोटेड स्ट्रॉबेरीज़ आप अपनी प्लेट पे डालें, और ठंडे होने के बाद वो इजीली उतर आएंगी। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉबेरी मैंने ली है और उसको इस तरह से चॉकलेट में पूरा डिप कर देंगे। तो यहाँ पर मैं हाफ जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो डिप कर रही हूँ चॉकलेट में। आप चाहें तो फुल स्ट्रॉबेरीज़ भी डिप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो एक एक करके हम सारी स्ट्रॉबेरीज़ को चॉकलेट में कवर कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया लगती हैं ये खाने में, और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं स्ट्रॉबेरी में। विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और सर्दियों में बहुत मात्रा में अवेलेबल रहती हैं, तो ज़रूर बना के खाएं। तो यहाँ पर सारी स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो मैंने डिप कर ली हैं, और थोड़ी सी जो चॉकलेट है वो बच गई है, जो मेल्टेड चॉकलेट है, तो उसको मैं पाइपिंग बैग में डालकर जो स्ट्रॉबेरीज हैं उनको थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। 10 से 15 मिनट तक हम इनको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, और उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तो इस तरह से मैं डेकोरेट कर रही हूँ, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। आप लोग भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिए ये चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरी। और मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।